हम सभी को पीरियड्स आते हैं, ऐसे में हम अपनी वजाइना की केयर और हाइजीन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं वो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी, क्योंकि ये हमारे एसेंशियल इसलिए है क्योंकि प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन, प्रमोट करता है ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। कुछ गर्ल्स ऐसी होंगे जिन्हें पीरियड्स अभी तक नहीं आए होंगे और कुछ ऐसी गर्ल्स भी होंगी जिन्हें पीरियड्स की स्टार्टिंग हो चुकी होगी। तो आप सभी को कैसे अपने पीरियड्स में ध्यान कैसे रखना है और किन बातों को आपको अच्छे से ध्यान रख के चलना है, हर छोटी से छोटी टिप्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ये जरूर देखना एंड स्टार्ट करते हैं आज की। मैं पहले दिन से ही खुद को प्रोडक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ, हालांकि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को प्रोडक्टिव रखने के लिए सब छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करती हूँ और आप भी इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सुबह ही मुझे थोड़ी थोड़ी क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो गई थी और मैं समझ गई थी कि मुझे पीरियड्स आ चुके हैं, तो मैंने उठते ही खाली पेट लिया घी, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और आप पीरियड्स में ही नहीं तो आप डेली भी पी सकते हैं क्योंकि स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने पिया गर्म पानी, दिन मैंने किया ब्रश और सीधा चली गई मैं शॉवर लेने। पीरियड्स में ना फ्रेंड्स प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है और पीरियड्स में बॉडी के मसल्स काफ़ी रिलैक्स करने के लिए हॉट वाटर बहुत अच्छा है। पीरियड्स में शॉवर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और बॉडी क्लीन रहेगी तो किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होने नहीं रहेंगे। और पीरियड्स में हेयर वॉश ना करें क्योंकि पीरियड्स में हेयर वॉश करने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, ऐसे में ब्लड का फ्लो बहुत ही कम होने लगता है और पीरियड्स रुक रुक के आने लगते हैं एंड बॉडी का टेम्परेचर लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर आप पीरियड्स में डेली शावर ले, लेकिन अपने हेयर को वॉश ना करें। मैं अपने अंडरगारमेंट्स को वॉश अप करने के लिए डेटॉल वाले पानी से 5 to 10 minutes अच्छे से रखूंगी और फिर से वॉश ऑफ कर लेती हूँ। आपको भी अपने पर्सनल क्लॉथ को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, ऐसे में ना फ्रेंड्स इन्फेक्शन हो तो वो फैलता नहीं। पीरियड्स में हमेशा डार्क शेड क्लॉथ वियर करना चाहिए, स्पेशली जीन्स या पैंट्स हो तो वो डार्क शेड कलर का ही होना चाहिए, क्योंकि स्टेन अगर बाई चांस लग भी जाता है तो नजर नहीं जाती। तो जितना हो सके आपको डार्क शेड क्लॉथ वियर करना चाहिए और बिल्कुल लूज लूज ही पहनिए ताकि आप कंफर्टेबल रहें। और हमारी स्किन इस टाइम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है तो आप मेक श्योर कीजिए कि लूज क्लॉथ ही पहनिए। छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना है और मैं भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां टीनेजर टाइम पे कर चुकी हूँ, तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। सो आप इन टिप्स को हमेशा फॉलो करें। पीरियड्स के टाइम आपको ऐसे पैड में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ आपको पीरियड्स में लीकेज के टेंशन ना हो। मैं हमेशा से ही प्रो इजी वाला ही पैड यूज करती आई हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और जिन्हें भी हैवी ब्लड फ्लो होता है उनके लिए भी प्रो इजी बहुत अच्छे से वर्क करता है। और हमेशा आपको एक्स्ट्रा लार्ज साइज ही पैड यूज करना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें हमेशा पैड 4 to 6 hours के बीच पैड चेंज करते रहना चाहिए। अगर हैवी ब्लीडिंग नहीं है फिर भी कम से कम 6 घंटे तो भी पैड जरूर चेंज करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जमा हुआ ब्लड स्किन को इरिटेट कर सकता है, साथ ही साथ फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। कीपिंग हाइड्रेट योर सेल्फ, पीरियड में जितना हो सके पानी पीना चाहिए, इससे आपके क्रैम्प्स में थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है और जो हाइड्रेटेड कमी होने के कारण चक्कर आने के चांसेस रहते हैं तो वो भी नहीं होते। सो मेक श्योर कीजिए कि आपको वाटर इंटेक जरूर करना है। सो जितना हो सके आपको दिन भर में पानी पीना है। ठंडा पानी किसे नहीं पसंद फ्रेंड्स, बट पीरियड्स में आप ठंडा पानी पियोगे तो बहुत तेज क्रैम्प्स आ सकते हैं, इसलिए पीरियड्स के टाइम वार्म वाटर का ही इस्तेमाल कीजिए। वॉशिंग योर हैंड आफ्टर एंड बिफोर यूजिंग अ पैड, हमेशा पैड यूज करने से पहले अपने हैंड को प्रॉपरली सैनिटाइज या हैंड वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके हैंड के जर्म्स आपके पैड पे आने के चांसेस रहते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप हमेशा अपने हाथों को वॉश कीजिए और पैड यूज करने के बाद आपको हैंड को वॉश जरूर करना है। इसके बाद मैं खाऊंगी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स खाने में गर्म होते हैं और बॉडी के पेन को कम करने में हेल्प करते हैं और पीरियड्स फ्लो अच्छे से आने देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए और बॉडी में इस टाइम जितने भी वीकनेस पेन होता है ये दूर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ईटिंग हेल्दी फ्रूट्स। पीरियड्स के स्टार्टिंग डेज में आपको स्टमक में पेन बहुत होता है और उसमें गुस्सा भी आता है और इमोशनल हो जाते हैं, मन भी उदास सा रहता है, चिड़चिड़ सा रहता है
और ऐसे में हमें अपने मूड स्विंग्स को बनाना और चॉकलेट काफ़ी सही रहती है, क्योंकि बनाना में होता है मैग्नीशियम और फाइबर जो आपके पीरियड्स के पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। बनाना में मौजूद विटामिन B6 होता है और विटामिन B6 रेड ब्लड सेल्स को प्रमोट करता है। पीरियड्स के टाइम ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है और चॉकलेट भी आपके मूड स्विंग्स को लाइट करता है। पीरियड में आपको कर्ट का इंटेक नहीं करना है क्योंकि इससे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और क्रैम्प्स भी बढ़ जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, पीरियड्स के पहले दिन हमें पिंपल्स हो जाते हैं, सभी को तो नहीं बट हाँ कुछ गर्ल्स को होते हैं, क्योंकि बॉडी के हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, फिर हमें उसे ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा देखने मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन भी होते हैं। सो पिंपल को शट डाउन करने के लिए हम सैंडलवुड पाउडर और रोज़ वाटर को यूज़ करेंगे, क्योंकि सैंडलवुड जो है हमारी पिंपल्स को सो डाउन करने में हेल्प करते हैं और चेहरे पर ग्लो प्रोवाइड करते हैं। तो पीरियड के समय हमारी स्किन काफ़ी डल हो जाती है, तो आप सैंडलवुड पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको पीरियड्स के समय थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए जो आपके पीरियड पेन को कम करने में हेल्प करता है। सिंपल एक्सरसाइज है जो आप पीरियड्स के समय कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन करनी चाहिए क्योंकि इससे आपका मन शांत हो जाता है और आपके मूड स्विंग्स को भी ठीक करता है और थोड़ी बहुत आपके क्रैम्प्स भी जो होते हैं उसे भी ठीक करता है। पीरियड्स में ना हमारे पाँव में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और नर्व्स में दर्द से पाँव में स्वेलिंग भी आ जाती है, इसलिए आपको पीरियड्स के समय अपने पाँव में तेल से मसाज करनी है। इसके बाद आपको सॉक्स वियर कर लेनी है ताकि आपके पाँव में गर्माहट बनी रहे। और रात को मैं अपने पाँव को गर्म पानी में सो करती हूँ और इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलैक्स मिलता है और पाँव में जो भी क्रैम्प्स आते हैं पीरियड्स के दौरान वो भी ठीक हो जाते हैं। पीरियड में क्रैम्प की रिलीफ के लिए आप जिंजर वाटर का इंटेक कर सकते हैं। जिंजर कूट एंड अजवाइन आपके पीरियड पेन को कम करने में हेल्प करते हैं। और पीरियड में आइसक्रीम या ठंडी चीज़ों की बजाय आप गर्म वाली चीज़ों का इंटेक कर सकते हैं, सब आपके पीरियड क्रैम्प्स के लिए बेस्ट होता है। पेट का जो भी दर्द होता है वो 6 मंत्र हो जाता है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पीरियड में थक जाते हैं तो प्रॉपर रेस्ट लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको 3 आवर्स के लिए सो जाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप हीटिंग पैड का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड पीरियड्स के टाइम आपको कहीं ना कहीं बिजी रहना है, लाइक इसे क्या होता है ना कि आपका जो पेन होता है उससे आपका ध्यान हट जाता है और पीरियड पेन से आप दूर हो जाते हैं, क्रैम्प्स भी नहीं आते। सोते ही रहने से हम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। तो काम करते रहे, बॉडी अच्छी रहती है। पीरियड्स के टाइम हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेक श्योर आप भी इन बातों को ध्यान से रखें और इन टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करें, जैसे कि आपको पीरियड्स में क्रैम्प्स ना आए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको क्रैम्प्स के लिए कभी दवाई नहीं लेनी, मेडिसिन आपके बॉडी के लिए नेगेटिव इफेक्ट कर सकती है। सो मेक श्योर ये छोटी छोटी टिप्स अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको पीरियड्स में काफ़ी अच्छे से आ सके और हाइजीन मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई हो, तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो ओके, बाय एवरीवन।